फिर से आपके सामने आ गया हूं। क्या पाकिस्तान हारा ही होगा ना, जीता थोड़ी होगा। वीडियो बनाने आता हूं तो हार ही होती है पाकिस्तान की हमेशा। जीते तो अरसा हो गया है, कुछ 2.5 महीने हो गए, 70 दिन हो गए, पाकिस्तान जीता नहीं है मैच। ये गली की टीम है, स्ट्रीट क्रिकेट है, ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है? ये क्या हनीमून पे गए हुए हैं, वेकेशन मनाने गए, छुट्टियों में गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके घूम रहे हैं, वहां पे सिडनी में न्यू ईयर, क्रिसमस मेलबर्न में, फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं डनेडिन हैमिल्टन, वहां पे ऑकलैंड क्राइस्ट चर्च के टूर कर रहे हैं और आके हारी जा रहे हैं। 7 लगातार हार इस सीरीज में, 8 लगातार मैचेस आप हार चुके हुए हो, कोई 22-24 मैचों में से 4-6 मैच जीते हो आप, मतलब सदियां हो गई है जीते हुए। आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, 50-50 लाख सैलरीज ले रहे हो। और यार आज मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स किस खाते, 90 रन कर गया वो अपने लिए, ये उसके अपने 90 रन है 63 बॉल्स में। और रोहित शर्मा इतनी गेंदे खेल के 129 करता है, 122 करता है, फिर लैडल 130 करता है, वो ओपनर्स है। अगर आप नहीं ओपनिंग कर सकते तो ना करो, मॉडर्न डे में ओपनर एंकर नहीं होता, एंकर की कोई रोल नहीं है। अब 162 एवरेज स्कोर था, विनिंग स्कोर भी नहीं था क्राइस्ट चर्च में, आप वहां तक नहीं लेके जा सके टीम को। आपने 63 बॉल्स खेली हैं, 10 से ज्यादा आपने खेल लिए ओवर, और 53 बॉल्स में ग्लोबल एवरेज है कि 100 करता है एक प्लेयर T20 क्रिकेट में ऑन एवरेज 53 बॉलों पे, और आपने 63 बॉले लेके 90 अपना कर लिया, क्योंकि आपसे रन नहीं हुए थे पहले 3 मैचों में। आपने कहा कि मैं स्टैट पैड करता हूं, मैं अपने रन कर लेता हूं, और भाई 5 विकेटें घर लेके जानी है, 5 विकेटों का क्या करूं, अगले मैच में 15 विकेटें मिलेंगी आपको, 5 ये और 10 जो है अगले मैच के लिए, क्या फायदा इन 5 विकेटों को हाथ में रखने का जब आप एवरेज स्कोर नहीं कर सकते। मेरी तरफ से आप 0 करो पहली गेंद में मैच, तो आप फिर भी हार गए हो। ये कोई टूर्नामेंट हो रहा है जब नेट रन रेट बचाने के लिए पूरे 20 ओवर खेलने थे आपने, और जिस पिच पे आप एवरेज स्कोर या पार स्कोर ना लगा सको उसमें आपका 90 बेकार है, जाया है। पहले 3 मैचों में बाबर ने 50 किए मैच हार गए, आज रिजवान ने 90 किया मैच हार गए, क्या करूं मैं आपके 3-50 का, क्या करूं मैं आपके 90 का। पाकिस्तान 4-0 से डाउन है न्यूजीलैंड में, और बांग्लादेश जो है रिसेंटली जीत गया था T20 न्यूजीलैंड में जाके, आपने तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं सोचा, रखा ही नहीं आपने कहीं पे, कहीं मुंह नहीं दिखा सकता बंदा। और ये फैंस आई सुबह 5 बजे उठते हैं, 11 बजे आपका मैच देखते हैं न्यूजीलैंड में, अपनी एफर्ट पैसा टाइम सब बर्बाद करते हैं, और आप जो इतनी वाहियात परफॉर्मेंस देते हो, ये फखर जमान जो है 70 की स्ट्राइक रेट, इफ्तिखार अहमद 70 की स्ट्राइक रेट, और 60-70 की स्ट्राइक रेट से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। साहिब मयूब एक मैच में स्कोर कर दिया, रन आउट हो गया, उसके बाद उसने तो भाई स्ट्राइक रेट ही अपनी 60-70 कर ली है, कौन ऑर्डर दे रहा है उसको, कहां पे गई वो शॉर्टेज जो मार रहा था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं नजर आती, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमें दिखा दी वो रील्स बन गई, हाईलाइट्स बन गई, और कब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहोगे। फखर कहता है मैं 8वें नंबर पे खेलूंगा टीम के लिए, 7वें में खेलूंगा, और भाई तुझसे ना पहले पे स्कोर होता है, ना दूसरे में, ना तीसरे में, 20 की एवरेज है तेरी, 128 की स्ट्राइक रेट है T20 में, गंद मचा रहे हो हर जगह जाके। फिर कहते हैं जी नंबर 4 पे खेल रहे हो, उसकी पोजीशन नहीं है, तो भाई वो खुद कह रहा है मुझे जहां मर्जी खिलाओ मैंने खेलना है, उसने कोई कोटा लिया हुआ, कोई प्लॉट लिया हुआ पाकिस्तान टीम में कि वही खेलेगा, कोई कब्जा किया हुआ है कि वही खेलेगा हर जगह, वो क्यों खेलेगा। टॉप परफॉर्मर साहिब का था फरहान नंबर 5 पे क्यों खेल रहा है, वो मानने हो ना खेलने के लिए उस नंबर 5 पे, टीम मैनेजमेंट ने रोल दिया आपने उसको एक्सेप्ट किया, आप खेले उधर ओपनर हो तो कह दो मैंने नंबर 5 पे नहीं जाना, मुझे ना खिलाओ, जो जिस पोजीशन पे जाके खेलता है वो अकाउंटेबल है कि वहां स्कोर करे। ये नहीं होता कि एक मौका मिला तो ग्रैब नहीं किया, तो 2 मौके और दो, 10 मौके दो, वो इस तरह तो हम हार गए सारे इवेंट्स, 5 इवेंट्स हम हारे हैं, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 22 का T20 वर्ल्ड कप, 22 का एशिया कप, 23 का एशिया कप, 23 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, कितने इवेंट्स और हार रहे हैं, 24 का भी हारने जा रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो। और मोहम्मद रिजवान कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दी, आप लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट तो नजर आएंगे, ये तो फिर होता है ना इस तरह के कामों में। और क्यों होता है, सिर्फ तुम दोनों रह गए ओपनर्स, क्या जितवाया, कौन सी ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, वर्ल्ड इवेंट ICC एशिया कप कौन सा जीता पाकिस्तान, 7 ओपनिंग पार्टनरशिप में 100 किए होंगे बायलेटरल्स में, ABC टीमें भेजते हैं वो लोग, साउथ अफ्रीका की डी की टीम के खिलाफ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के खिलाफ कर दिया, PSL में फट्टे ट्रैक्स बनाकर रावलपिंडी में कर दिया, तब भी एक्सपोज होते हो, वेट वर्स में फुल स्ट्रेंथ टीम आती है एक्सपोज हो जाते हो, यही न्यूजीलैंड डी टीम भेज देगा पाकिस्तान में अप्रैल में, तो जाओ सीधी जीत के खुश हो जाओगे, और फिर एक्सपोज हो जाओगे वर्ल्ड T20 में जब फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मैच करोगे, ये इंग्लैंड के साथ मई में खेलोगे उनके प्लेयर्स IPL खेल रहे होंगे, डी टीम के साथ जीत जाओगे तो खुश हो जाओगे, तो एक्सपोज हो रहे हो, हर साल वही साइकिल चलता है, स्टैट पैडिंग कर रहे हो। पाकिस्तान में ये माइंडसेट जब तक खत्म नहीं ना होगा कि आपका टॉप स्कोरर ही आपका बेस्ट परफॉर्मर है, तो आप नहीं जीत सकते, अपने लिए बारियां लेना छोड़ दो, पार स्कोर लगाओ। 20 में उनके 3 आउट थे, उन्होंने फिर भी 134-140 की पार्टनरशिप से चेज कर दिया मिचेल और फिलिप्स ने। ये होता है कि जब बंदा खड़ा हो 60-70 बॉले खेल गया हो तो फिनिश करके आना होता है, नहीं कर रहा इफ्तिखार कुछ, नहीं कर रहा आजम कुछ, नहीं कर रहा साहिबजादा फरहान, नहीं कर रहा फखर जमान, तो आप भी आउट हो जाना यार, आप भी तो मैच ही हरवा रहे हो ना, आपका 90 फखर का 16 एक ही बराबर है, पाकिस्तान फिर भी नहीं जीत रहा।
ये क्यों नहीं समझ लग रही यार कि आप जो कर रहे हो वो भी पाकिस्तान को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। आपके कुछ चीज स्कोर से हम जीत नहीं रहे, आपके 390 नॉट आउट हैं T20 क्रिकेट में, सबसे ज्यादा किसी ओपनर के लिए। हम क्या करें उस रिकॉर्ड का, मतलब जिस जितनी बॉलें खेल के लोग 120-30 करते हैं उसमें आप 90 कर रहे हो। आप कहते हो जी मैं ओपनर आ रहा हूं, तो ओपनर ना आओ प्लीज। एंकर रोल नहीं है T20 क्रिकेट में, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में आपको विनिंग स्कोर लगाना है, आप एवरेज स्कोर नहीं लगा रहे। वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, आज मैच का मुजरिम कौन है, ये 4-0 पाकिस्तान का हो गया किस वजह से हुआ है, कमेंट करके बताएं।